नमस्कार, मैं हूं छवि फागना और आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन। शुरुआत करते हैं राजस्थान की खबरों से। कोहरे के कारण जयपुर हाईवे पर एक ट्रक और पिकअप की जोरदार भिड़ंत का एक हादसा सामने आया है। मामला कुछ यूं है कि आज सुबह जोधपुर से भेड़ों को लेकर एक पिकअप अजमेर की तरफ जा रही थी, तभी जयपुर जोधपुर हाईवे पर विष्णु की ढाणी के पास घने कोहरे के बीच सामने आ रहे एक ट्रक और पिकअप के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में 55 वर्षीय व्यक्ति सहित 10 भेड़ों की मौत हो गई, जबकि पिकअप में सवार दो अन्य लोग घायल हो गए। ट्रक की रफ्तार तेज होने से दोनों वाहन आपस में टकरा गए। वहीं ट्रक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया। हादसे के बाद ट्रक चालक वहां से भाग निकला। झालावाड़ जिले के सालरी गांव में आज सुबह एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। इसके बाद बड़ी संख्या में गांव वाले मौके पर पहुंच गए और घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस को वहां के लोगों ने युवक की हत्या कर शव पेड़ पर लटकाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मृतक रमेश प्रजापत को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। इसी दौरान युवक की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस को शव भी नहीं उतारने दिया। उनकी मांग है कि पहले आरोपी की गिरफ्तारी की जाए, इसके बाद ही शव को उतारा जाएगा। आपको बता दें कि घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने डावल चौराहे पर झालावाड़ इंदौर हाईवे पर जाम लगा दिया है। प्रदेश में 18 जनवरी से ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने को लेकर स्कूल और कोचिंग इन दिनों तैयारियों में जुटे हुए हैं। कोरोना में स्टूडेंट्स का सिटिंग प्लान बदला जा रहा है। वहीं जिला कलेक्टर ने शुक्रवार को स्कूलों में नई गाइडलाइंस जारी कर दी। गाइडलाइंस के 11वें बिंदु में ये रखा गया है कि अगर पढ़ाई के दौरान किसी भी विद्यार्थी में कोरोना के अगर लक्षण पाए गए तो कोचिंग या स्कूल संस्थान ही अपने खर्चों पर विद्यार्थी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराएगा। इसी के साथ आपको बता रही कि प्राइवेट की तरह सरकारी स्कूलों में भी कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। राजस्थान में पिछले 2 दिन से लगातार बादल और घना कोहरा छाया हुआ है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में भी शनिवार को सूरज के दर्शन नहीं हुए। पूरे दिन धूप भी नहीं निकली और शीतलहर चलने के कारण दिन और रात के तापमान में भी अंतर घटकर 4 डिग्री से भी कम रह गया। जयपुर की बात करें तो शुक्रवार से ही लोगों को सूरज के दर्शन नहीं हुए, इसी कारण दिन का तापमान 16.4 डिग्री पर ऊपर नहीं पहुंच सका। वहीं दिन पर चली शीतलहर से ठिठुरन और बढ़ गई। रात में भी सर्द हवाएं चली। सर्दी का यही हाल अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर संभाग के कई शहरों में रहा। वहीं हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर सहित शेखावाटी अंचल शहरों में भी आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला। और इस वक्त की बड़ी खबर, इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर केंद्र सरकार ने 26 जनवरी तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए तो वह किसानों के समर्थन में 27 जनवरी को हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। अभय चौटाला किसानों के समर्थन में बहादुरगढ़ के जाखोदा बाईपास पर पहुंचे थे। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए जीएसटी में संशोधन कर सकती है, लेकिन किसानों की मांग होने के बावजूद कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर सकती। इसी के साथ आगे चौटाला ने कहा कि अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती है तो मैं पद छोड़कर उनके साथ धरने पर बैठ जाऊंगा। राजस्थान की खबरों में आज इतना ही। तमाम खबरों को आगे देखने के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन।